हेलो गाइस, आई एम सौरभ त्रिपाठी। तो गाइस, एम एक्स प्लेयर में आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, दिस ऑडियो फॉर्मेट। गाइस, आप कोई सा भी वेब सीरीज या मूवी आप ओपन कर रहे हो तो उसका साउंड आपको देखने को नहीं मिल रहा है एम एक्स प्लेयर में। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना। स्टोर को ओपन करने के बाद अब आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सर्च कर देना है एम एक्स प्लेयर। तो गाइस, एम एक्स प्लेयर अभी आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है, आपका अपडेट शो हो रहा होगा। तो एम एक्स प्लेयर का अभी ये लेटेस्ट वर्जन आया, तो आप पहले क्या करना है कि इसको आप अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद अब आपको एम एक्स प्लेयर ओपन करना है। अब गाइस, आपको क्या करना है कि जो ऊपर साइड आपको 3 लाइन दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको इसको नीचे साइड स्वाइप करना है गाइस, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा सेटिंग, तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोकल प्लेयर सेटिंग, तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा थर्ड पे क्लिक करना है डिकॉर्डर पे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे इसको आप नीचे साइड स्वाइप कर देना, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कस्टम कोडेड। अब यहाँ पे गाइस, कस्टम कोडेड आप देख सकते हो 1.44.0 ZIP, यह लेटेस्ट वर्जन है। तो जैसे ही आप अपने एम एक्स प्लेयर को अपडेट करते हो तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन इसका शो होगा 1.44.0 ZIP। तो इस जिप को आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो कैसे इसको डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए आपको पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मैंने सर्च किया है एम एक्स प्लेयर 1.44.0 ARMv8। गाइस, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है इसी को आप सर्च कर देना। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने कुछ इंटरफेस ऐसा शो हो जाएगा, तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। अब गाइस, आपके सामने कुछ इंटरफेस ऐसा शो होगा, तो आपको इसको नीचे साइड स्वाइप करना है। यहाँ पे आप नीचे साइड स्वाइप करना गाइस, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एमएक्स AIO 1.44.0 ZIP यहाँ पे शो हो रहा है, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब गाइस, आपके सामने यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस हो जाएगा, तो आपको क्रोम ब्राउज़र पे आपको क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन हो रहा है, तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपका डाउनलोड होने लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो मेरा जिप डाउनलोड हो रहा है, तो मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, मैं पहले से ही इसको डाउनलोड किया हूँ यहाँ पे, अभी आप देख सकते हो। तो गाइस, इसको इंस्टॉल कैसे अपने एम एक्स प्लेयर में करना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब गाइस, आपको एम एक्स प्लेयर अपना ओपन करना है, तो यहाँ पर मैं सर्च कर ले रहा हूँ पहले। एम एक्स प्लेयर को ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पर जो 3 बिंदु आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, फिर इसको आप नीचे साइड स्वाइप करना, और यहाँ पर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देना। फिर गाइस, यहाँ पे लोकल प्लेयर सेटिंग का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। फिर आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब गाइस, इसको आप नीचे साइड स्वाइप कर देना, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कस्टम कोडेड, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जिप शो हो रहा है, एमएक्स AIO 1.44.0 ZIP यहाँ पे शो हो रहा है। गाइस, आपका जिप नहीं शो होगा तो आपको फोल्डर अप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप डाउनलोड पे चले जाना है, जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और फिर आपको जिप यहाँ पे शो होने लगेगा, तो आपको जिप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जिप पे क्लिक करते हो यहाँ पे देख सकते हैं रिस्टार्टिंग ऐप होगा आपका, तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपका जो एमएक्स प्लेयर है वो रिस्टार्ट हो चुका है, और जो जिप था 1.44.0 ZIP वो आपके एमएक्स प्लेयर में इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको एमएक्स प्लेयर ओपन करना है और उस वीडियो पर आपको जाना है जिस वीडियो का आपको साउंड नहीं देखने को मिल रहा था। अब उस वीडियो पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उस वीडियो का साउंड वहाँ पर शो होने लगेगा। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूरी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।